अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं तस्लीम शरीफ और आप देख रहे हैं कारमा जायके का। फ्रेंड्स, आज मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा सर्दी और खांसी हो रही है और जितना ज़्यादा मैं बात करती हूँ उतनी ज़्यादा और खांसी होती है। और कोई भी चीज़ बनाने के लिए तबीयत का ठीक होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मूड सही नहीं होगा तो कोई भी चीज़ अच्छी कैसे बनेगी। तो फिर ये और ये वीडियो जो है मेरा लास्ट संडे का है। वो टाइम जो लॉकडाउन का टाइम था वो 8 बजे से था, रात के 8 से सुबह के 8 तक। तो संडे का दिन था, तबीयत भी नरम गरम थी, तो मैंने सोचा थोड़ा जाते हैं बाहर, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, तबीयत भी थोड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएँ, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम वर्सोवा की जगह पर जाते हैं, जहाँ की बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, भीड़ भाड़ भी नहीं रहती और क्लाइमेट भी बहुत काफ़ी ठंडा, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे समंदर की वजह से। तो हम लोग 5:30 बजे कुछ निकल गए और रास्ते में देखे ये अदानी एक का, ये जो है शॉपिंग मॉल है इसमें, और इसमें तिरुमाला एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे कि हर चीज़ें मिल जाती हैं। और ये रास्ते में देखिए वर्सोवा रोड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और दरगाह के पहले ही देखिए लेफ्ट साइड में समंदर पड़ता है जाते हुए, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अपार्टमेंट्स हैं ये जो, और ये बीच पे जाने का रास्ता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएँ हैं और ये जो जितने भी यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं सब सी फेसिंग में है, तो कितना अच्छा लगता होगा। मैं यही सोचती हूँ यहाँ रहने वालों को कि बस बालकनी में बैठ गए, लॉन में बैठ गए, चाय नाश्ते का मज़ा, साथ में समंदर की लहरों को देख रहे है ना, तो बस इमेज ही कर सकते हैं। लेकिन फिर ये भी लगता है कि जब कभी समंदर में भर्ती आती होगी या हाई टाइड आता होगा तो इन घरों का क्या हाल होता होगा। खैर, ये तो वही लोग जान सकते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, हम तो बस अच्छी अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं, बाकी लोग की प्रॉब्लम्स क्या है ये तो हमें भी नहीं पता है। खैर, देखिए पूरे रास्ते में समंदर दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने सोचा भी था कि आने के टाइम पे हम भी जाएंगे वहाँ पे बीच पे थोड़ा, पर फिर हम लोग नहीं गए। और मैं बात करती हूँ तो एक्चुअली मेरे को खांसी आने लगती है और बस हम जा रहे हैं। ये जो एरिया है दरगाह है ये वर्सोवा में लास्ट में पड़ती है और उसके बाद में फिर कोली लोगों का एरिया शुरू हो जाता है जो कि समंदर से मछली वगैरह पकड़ते हैं और उसका बिजनेस करते हैं, उसके बाद उनकी बस्ती शुरू हो जाती है। तो ये वर्ष आखिरी कोने में ये दरगाह आती है वर्सोवा के। और अब देखिए राइट साइड में दरगाह का एरिया शुरू हो गया है और हमको लोग जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, और थोड़ी देर में देखेंगे अभी आपके दरगाह का गेट हमको नज़र आने लगा है। और बस फिर हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रुका दी और मेरे शौहर और मेरा बेटा साथ में है, तो मेरे शौहर गाड़ी वाले को पैसे देने लगे। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं गेट का जो फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेती हूँ और आपको नाम दिखा देती हूँ, पर हालांकि नाम तो यहाँ से सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दरगाह का नाम है शुक्रल्लाह शाह पीर बाबा, इस दरगाह का नाम है। और अब हम जा रहे हैं अंदर दरगाह के, और मेरा ये बेटा है साथ में, मेरे हस्बैंड है यहाँ पे जो गेट कीपर वॉचमैन खड़े हुए हैं, सब ने मास्क लगाया हुआ है और सबको बिना मास्क वालों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, वो लोग बाहर ही रोक देते हैं। और देखिए जैसे हमने एंटर किया तो मैं तो सीधा बस लेफ्ट साइड में जो थोड़ा सा फेंसिंग लगी हुई थी वहाँ पर मैं चली गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कबूतर थे जो दाना चुग रहे थे, अंदर जो केज बना हुआ, बाड़ा बना हुआ है उसके अंदर बकरियाँ थी, तो बस मैं बस वहीं का वीडियो बनाने लगी और मेरे शोहर और मेरा बेटा वो लोग अंदर चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। हालांकि हम लोग की नमाज़ हमने घर से सोचे थे कि असर की नमाज़ हम वहाँ पर ही पढ़ेंगे, पर आते आते लेट हो गया, हमारी नमाज मिस हो गई, तो वो लोग फटाफट से अंदर चले गए और मुझे भी अब नमाज़ पढ़ना। और यहाँ पे देखिए फातिहा छाई हुई है इधर और सब औरतें खड़ी हैं दरगाह के बाहर, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, और खिड़की में से दिखाई दे रहा है मज़ार में, मतलब अंदर आदमी लोग हैं, वहाँ पे औरतों को जाने की परमिशन नहीं होती है मज़ार के पास में, तो औरतें सब बाहर ही खड़ी हैं और सब फातिहा में शामिल हैं। Thank you.
इधर देखिए लेडीज़ कुछ जो है वो अंदर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नमाज के बाद में लौबान जलाया जाता है और बहुत से लोग जो है वो लौबान लेते हैं ताकि इनकी जो बीमारी है या जो पनौती है जो भी है वो दूर हो जाए। तो बहुत सी औरतें वो लेती हैं। चलिए अब मैं भी अंदर आ गई हूँ हॉल में जहाँ पे लेडीज़ के लिए नमाज का इंतज़ाम होता है। ये बहुत बड़ा हॉल है और इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक बार में कम से कम 500-600 लेडीज़ आ जाती हैं, जो कि आराम से बैठ के, और देखिए कितना नीट एंड क्लीन है एकदम, यहाँ पर आराम से बैठ के सब नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। यहाँ पे जा नमाजों का इंतज़ाम है, कुरान शरीफ, पलसूरा, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद होती है। बस वहाँ पे जाओ और सुकून से पढ़ो, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत सुकून लगता है। और चलिए अब मैं यहाँ पे देखिए चटाइयाँ रखी हुई हैं, ये चटाइयाँ सर्दी और बारिश में बिछाने के काम आती हैं, क्योंकि गर्मियों में तो बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ठंड और बारिश में ज़मीन ठंडी होती है तो ये चटाइयों को बिछाया जाता है। चलिए अब हम आते हैं मैं, और आपको दिख रहा होगा पीछे बैक साइड का गेट भी नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर यह है वज़ू खाना, यहाँ पर नमाज या कुरान पढ़ने के पहले वज़ू बनाया जाता है। और इतना बड़ा जो एरिया देख रहे हैं पूरा, यहाँ पे ऊपर शेड लगा हुआ है, जब यहाँ पे कोई जलसा या उर्स वगैरह होता है तो इधर ही पे देख चढ़ाई जाती है और लोगों को खाना खिलाया जाता है, और हम यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ में आ जाते हैं। देखिए मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है और यासीन शरीफ पढ़ के मैंने बख्शा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे औरतें हैं जो अपने आप को, कई लोग हैं जो दम करवाते हैं खुद को, बच्चों को। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, और ये बाहर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसकी जो गुंबद है कम से कम 5 से 6 माले की गुंबद होगी, और इसे देखकर बस अजमेर शरीफ का मेरे को ध्यान में आता है जो वहाँ का नज़ारा है। हालांकि अजमेर शरीफ के तो बाद ही कुछ अलग है, लेकिन देखने से बस वैसे ही महसूस होता है। देखिए राइट साइड में जो गेट दिख रहा है ये एक्चुअली आदमियों के लिए, जेंट्स के लिए है, जेंट्स यहाँ जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए अलग से रूम बना हुआ है बहुत बड़ा जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ते हैं। और ये देखिए बाहर का एरिया है, कितना बड़ा एरिया है कि हज़ारों लोग एक साथ में अंदर आ सकते हैं, पर आज यहाँ पर पब्लिक बहुत कम है, बीमारी की वजह से किसी को आने का परमिशन नहीं है। और ये जो लेफ़्ट वाला गेट देख रहे हैं बड़ा, ये लेडीज़ के लिए है, यहाँ से लेडीज़ अंदर जाती है, उनका नमाज का एरिया अलग होता है। और यहाँ पे अक्सर दूर दूर से लोग आते हैं, ज़ियारत भी हो जाती है, उसके बाद में सब बाहर बैठ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, सामने समंदर है, बच्चे खेलते कूदते हैं, सबको बहुत मज़ा आता है। पर अभी क्या है, कोरोना की वजह से किसी को भी यहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं है, तो बस मैंने भी यहाँ से फ़ोटो वगैरह वीडियो निकाला, फिर मैं भी वापस आने लगी। दूर मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों खड़े हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे ये लोग, बस मैं भी आ गई यहाँ पे। और मेरा बेटा मुझे देख के इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे कैप्चर मोबाइल में वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी, कबूतर हैं बहुत सारे इधर पे, और यहाँ पे तो पहले काफ़ी सारे जानवर हुआ करते थे, ऑस्ट्रिच होते थे, शीप होती थी, रैबिट वगैरह, और मतलब काफ़ी सारे जानवर थे यहाँ पे, बच्चों को बहुत मज़ा आता था, इन लोग बहुत अच्छा इंजॉयमेंट होता था उनका, लेकिन अब तो यहाँ पे नहीं है। मैं भी काफ़ी टाइम के बाद में इधर आई हूँ, और यहाँ पे बदक देख रहे होंगे, पानी पी रही हैं, और पीछे साइड में बकरे हैं। और फिर हम वहाँ से निकल गए तो 6:30 ही बजा था, तो हम चलते चलते आ रहे थे कि अब क्या करें, अभी तो 6:30 ही बजा है। तो आते आते देखा साइड में तो हमें albaik.com नज़र आया, जो कि उसी रोड पर है, वर्सोवा रोड पर ही कॉर्नर में पड़ता है। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, और फिर हमने सोचा कि चलो ज़रा टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, और देख भी लेंगे कि यहाँ की डिश वगैरह कैसी है, हो सकता है हमको कुछ टिप्स भी मिल जाए यहाँ पे। तो इसके लिए फिर हम इधर आ गए, और फिर मैंने अंदर एंटर किया, और अंदर काउंटर पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो मैंने फिर उनसे बात करने की कोशिश की, जो आपको सुनाती हूँ। और देखिए सब डिस्प्ले लगा हुआ है, मैं सब डिस्प्ले को ही कवर कर रही थी पूरा यहाँ पे। आई एम तस्लीम शरीफ, व्हाट इज योर गुड नेम? रिजवान। चलिए यहाँ पे आज तो बहुत ही मतलब पब्लिक नहीं है कुछ भी आज यहाँ पर, तो हमेशा ऐसा रहता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ? लॉकडाउन का थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा अच्छा और
और ये कितने साल से आपका यहाँ पे? न्यू स्टार्टअप है, 1 month कंप्लीट हुआ है। अच्छा, 1 month हो गया अभी। जी अच्छा, यहाँ पे बोर्ड बोर्ड दिखा रहे हैं। आप होम डिलीवरी भी करते हैं यहाँ से? तो किधर तक है आपका, मतलब अंधेरी वेस्ट में? पूरा ईस्ट वगैरह में नहीं है? ईस्ट में नहीं, वेस्ट में। जहाँ से अच्छा, और आप अपना किचन वगैरह कुछ शेयर करते हैं कि नहीं? किचन में अभी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा इन केस कभी आगे ऐसा? हाँ, किचन में कभी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपका फेमस जो डिश आपका वो क्या है? इतने सारे तो यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी अलबैक के जो स्पेशल जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे जो ऊपर लगे हुए फ्राइज आइटम जो अलबैक जो विंग्स वगैरह नगेट्स वगैरह ये सारे अलबैक स्पेशल आइटम्स। अच्छा ठीक है जी, ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करते हैं। और फिर देखिए, हमने अपना ऑर्डर दे दिया, फिर हम आके बाहर बैठ गए। ये तो उस वक्त था, मतलब उस टाइम लॉकडाउन नहीं था इतना, मतलब दिन में नहीं था। इसके लिए हमें बाहर बैठने की भी परमिशन मिल गई, वरना अभी तो ऐसा कुछ परमिशन नहीं है। बस पार्सल ही ले सकते हैं, बाहर से बैठने की परमिशन नहीं है। और हम लोग बाहर बैठ गए। बाहर इसलिए बैठे कि देखिए, रोड के वो साइड में समंदर नज़र आ रहा है, और देख रहे हैं आप, जो आपको बल्ब की तरह नज़र आ रहा होगा, एक्चुअली वो हैलोजन नहीं है, वो एक्चुअली डूबता हुआ सूरज है, और वो समंदर में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सीन, तो बस मैं उसी को कैप्चर कर रही थी, उसी को ध्यान से देख रही थी। और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी सामने से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुंबई में ऐसी जगह बहुत कम मिलती हैं जहाँ पर इतना सुकून मिलता है। तो बस मैं वही सब कैप्चर कर रही थी मोबाइल में। फ्रेंड्स देखिए, हमने जो ऑर्डर किया था, तो ये है नगेट्स, और ये 8 pieces है, और इसका प्राइस है 120 rupees। क्या है ये? ब्रोस्ट है। ब्रोस्ट है। अच्छा, ये आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री? क्या बात है, इन्होंने हमको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया है हमें अपनी तरफ से। और अभी इसका तो मुझे प्राइस पता नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने हमें अपनी तरफ से ही दिया है। तो अब हम पहले टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये कैसा है। ओके, तो चलिए देखिए, मेरे हस्बैंड ने इन्होंने नगेट्स चेक किया है, पहले खा के टेस्ट किया है। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि इनको कैसा लगा, कैसा है। टेस्टी है, क्रंची है, टेस्टी है, साथ में है सॉस, वाइट सॉस है ये, पर मैंने टेस्ट नहीं किया है अभी ये कौन सा सॉस है। और ये मेरा बेटा है, ये भी आपको बताएगा कि कैसा है। काफ़ी क्रंची है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री जो चिकन भी है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जूसर काफ़ी अच्छा ही है, इसी फूड को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो लोग, वो जानते भी नहीं हम लोग। अच्छा, उन्होंने चेक किया, बस बहुत काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सपोर्टिव है। वाकई में वहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, बड़े हम लोग को सब्सक्राइब भी कर दिया हमारे चैनल को, हालांकि हम फर्स्ट टाइम ही इधर पर आए हैं। और अपनी तरफ से उन्होंने हमको कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया, यहाँ पे एक डिश अपनी तरफ से दिया। अभी हम ये टेस्ट करे हैं, उसके बाद में हम दूसरा बर्गर का हमने ऑर्डर दिया है, पहले ये खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं बर्गर कैसा कैसा है। ओके, तो चलिए देखिए, अभी यहाँ पे हमने बर्गर का ऑर्डर किया था, तो बर्गर आया है यहाँ पे, और देखते हैं अभी ये कैसा है। बाकी दो चीज़ जो हमने खाई बहुत टेस्टी थी, बहुत ही क्रंची था, और बहुत ही अच्छा लगा। अभी ये टेस्ट करते हैं और ये आपको बताते हैं कि बर्गर कैसा है। एक्चुअली 2 महीने हम लोग को इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि और हम कुछ खा सकें, तो भी टेस्ट तो करना है, तो आपको करके बताएंगे कैसा है। ओके, तो हमारे हस्बैंड से कि बर्गर आपको कैसा लगा, कैसा है बर्गर टेस्ट बताइए। इसकी क्रंची है, उसके सॉस जो बहुत टेस्टी है, 2 टाइप के इसमें सॉस डले हुए हैं, देखिए 2 टाइप के सॉस हैं। और नीचे तो अभी मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या डला हुआ है, आई थिंक कैबेज, अंदर कैबेज डला हुआ है, उसके ऊपर चिकन के पीसेस हैं, नीचे गार्लिक सॉस है, मेयोनीज है, गार्लिक सॉस है। चलिए अभी मेरा बेटा बताएगा कि उसको कैसा लगता है।
थैंक यू बहुत, आपकी डिशेस बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत अच्छी लगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी मैं शायद से अपलोड करने के लिए 5-6 दिन जाएगा, क्योंकि वीकली कर रही हूँ मैं, तो आप अगर बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका नाम क्या है? हाँ, राशिद। अच्छा, आप अभी लगे होंगे क्योंकि रिसेंटली ओपन हुआ है ना ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए, थैंक यू, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। चलिए, ओके, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम निकल पड़े हैं वापस अपने घर की तरफ, और अभी तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है, और आप देखेंगे 4 बंगलों का एरिया है, लेकिन इतना सुनसान लग रहा है, आम दिनों में इतना सुनसान कभी भी नहीं होता है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है देख के कि रात के शायद से 12:30 बज रहे हैं, गाड़ियाँ भी बस इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे हैं। तो बस हम भी अब घर के लिए निकल पड़े हैं, और बस आप लोगों से भी विदा लेने का टाइम आ गया है। तो और फ्रेंड्स, मेरे इस व्लॉग में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो गई हैं, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ और अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर करूँ। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे साथ में रखिएगा, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 500 सब्सक्राइबर को रीचिंग करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू है आपका। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।